इधर कोरबा कोल माइन से कोयला चोरी पर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष रामलाल कौशिक ने सीबीआई जांच की मांग की है। यह बड़ा मामला है और इसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए, यह बात नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कही है। सीबीआई जांच में ही पर्दाफाश होगा, ये बात कही है धर्मलाल कौशिक ने। बड़े लोगों के संरक्षण से ही बड़े स्तर पर ये चोरी हो सकती है, ये बात कही है नेता प्रतिपक्ष ने। इस संरक्षण से सरकार को राजस्व हानि भी हो रही है, ये बात कही है। बड़ा मामला सामने आया है, इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सीबीआई शायद जांच करे तो पूरे मामले का पर्दाफाश होगा। देखो इतना बड़ा जब चोरी होगा तो केवल नीचे स्तर के लोग चोरी करके ले जाए मुझे नहीं लगता, जब तक बड़े लोग उसमें मिले ना हो, जब तक उनका संरक्षण ना हो। और ऐसे संरक्षण जब प्राप्त लोग होंगे तो राजस्व की हानि अरबों रुपए की होगी और जो हो रही है ब्रेक लगनी चाहिए। मैं समझता हूं सीबीआई जैसे जांच की इसमें आवश्यकता है। और छत्तीसगढ़ में कोयला चोरी पर अब सियासत और ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। कोरबा के गेवरा माइंस में कोयला चोरी का वीडियो सामने आया था। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला का बयान भी अब सामने आया है। कोयला माइंस की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की होती है, बिलासपुर रेंज के आईजी ने जांच के निर्देश दिए हैं, ये बात कांग्रेस ने कही है। कोरबा के गेवरा से कांग्रेस नेता ने इस बात का जिक्र किया, ये वीडियो सामने आया था कोयला चोरी का। इस पूरे मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। कोल माइंस की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ की होती है, ये बात सुशील आनंद शुक्ला ने कही है। बिलासपुर रेंज के आईजी ने जांच के निर्देश दिए हैं। केरल के गेवरा खदान में जो लोग कोयला बिनने गए थे उसे सामूहिक चोरी का नाम देना उचित नहीं है। यह है कि बड़ी संख्या में लोग वहां से कोयला लेने गए थे। अब कोयला खदानों की प्रथम दृष्टया सुरक्षा की जवाबदारी सीआईएसएफ की होती है निश्चित तौर पे, क्योंकि हमारे राज्य में स्थित है तो पुलिस भी इसके लिए जवाबदेह है। और आईजी ने एसपी को निर्देशित किया है, दो थानेदारों को लाइन अटैच किया गया है और यह जांच करवाई जा रही कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इसके लिए दोषी कौन क्यों है। इधर कोयला चोरी मामले में बीजेपी नेता ओपी चौधरी का सरकार पर तीखा हमला देखने को मिला है। संगठित माफिया का खुला खेल चल रहा है, ये बात ओपी चौधरी ने कही है। माइंस में खुलेआम कोयले की चोरी हो रही है, छत्तीसगढ़ में सब कुछ अति की सीमा पार कर चुका है। गेरवा कोल माइंस में चोरी का वीडियो ट्वीट करके ये निशाना साधा है ओपी चौधरी ने, ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। और संगठित माफिया का खुला खेल चल रहा है, ये आरोप लगाए हैं ओपी चौधरी ने। तो माइंस में खुलेआम कोयले की चोरी हो रही है, ये बात ओपी चौधरी ने कही है, ट्वीट भी किया है और इस वीडियो को शेयर किया, ट्वीट कर दिया। छत्तीसगढ़ में सब कुछ अति की सीमा पार कर चुका है, ये आरोप लगाए हैं ओपी चौधरी ने। गेरवा कोल माइंस में चोरी का वीडियो सामने आया था।